पीपा का मतलब बाकी वो बाकी कंफ्यूजन तो नहीं कोई भी बिल्कुल। सर मेरे कुछ क्वेश्चन थे जी सर, ये पूछना था कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनके अंदर ना लिखा आ रहा है ना अमेज़न सोल्ड, और उसके साथ एफबीए सेलर्स भी हैं, मींस के 5-6 होते हैं या 3-4 होते हैं, तो उन्हें चेक करना है। नहीं, जिनमें आप कह रहे हैं कि अमेज़ॉन भी सेल कर रहा है और दूसरे एफबीए सेलर्स भी सेल कर रहे हैं, उनको क्या करना जी है? जी उनको आपने जब कीपा की एक्सटेंशन चलानी है ना, वहाँ बाय बॉक्स का जी स्टैट्स आ रहे होते हैं, वो दिखा रहा होता है कि बाय बॉक्स कितने परसेंट किस सेलर को मिल रहा है। उसमें आपने जाके चेक करना है कि अमेज़ॉन जो है वो बाय बॉक्स सब सेलर्स को दे रहा है कि सिर्फ अपने पास ही रख रहा है। अगर तो वहाँ पे आ रहा है ना कि 70% 60% सिर्फ अमेज़ॉन के पास ही है और बाकी सेलर्स को तकरीबन किसी को 1% 2% 3% बस इतना ही मिल रहा है, फिर वो आप प्रोडक्ट छोड़ दो, फिर उस प्रोडक्ट को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि जिसमें अमेज़ॉन बैठा भी हुआ है लेकिन फिर भी बाय बॉक्स हर बंदे को मिल रहा है, अगर 10 बंदे हैं तो सबको तकरीबन 5-5% या 10-10% मिल रहा है और इस तरीके से अमेजोन को भी सिर्फ 10% ही मिल रहा है, तो वो प्रोडक्ट आप कर सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ अमेजोन खुद ही रख रहा है बाय बॉक्स अपने पास ही है उसके, तो फिर उसको छोड़ दें। ठीक है। और सर एक क्वेश्चन ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनमें ना जो होते हैं, एक तो बाय बॉक्स वाला और उसके अलावा जो एफबीए सेलर है ना, उनकी रिव्यूज जो उनसे होते हैं, मींस के वो अभी उनके आते हैं 50, 100 या 60, 70 तक रिव्यूज होते हैं, लेकिन उनकी प्राइस में काफ़ी डिफरेंस होता है, मींस के किसी की प्राइस है 20, किसी की है 25, ऐसे 5-5, 6-6 के डिफरेंस ही है, तो उन्हें चेक करना है, देखना है उन्हें। अच्छा, उनमें आपने देखना है कि अगर FBM वाले सेलर है ना, जी FBM वाले सेलर बैठे हैं, ज़्यादा बैठे हैं और वो प्राइस ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसको आप छोड़ दो। उसकी वजह ये है कि हो सकता है वो, हो सकता है कि अब उसमें ना ज़्यादा चांसेस यही है कि वो प्रोडक्ट ड्रॉप शिप हो रही है, ड्रॉप शिपिंग हो रही है उसमें। तो अगर वो प्रोडक्ट करोगे, उसमें ड्रॉप शिपिंग में ये होता है ना कि हमने कोई भी थर्ड पार्टी सप्लायर देखा, हमने इन्वेंट्री नहीं बाय करनी होती, वहीं से प्रोडक्ट उठाई और उसको अमेजोन पे लिस्ट कर दिया और वहीं से सेल कर दिया, ठीक है। और वो जो सेलर होते हैं उन्होंने इन्वेंट्री नहीं बाय की होती, वो चाहे 1 यूनिट उन्होंने सेल किया और उसके बाद वो आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाए तो उनको कोई मसला नहीं होता, लेकिन वो सेलर्स हमारे लिए नुकसानदेह हैं क्योंकि उन्होंने अगर कम प्राइस में लगाएंगे तो बाय बॉक्स उनको मिलेगा और हमें बाय बॉक्स नहीं मिलना, और हमने इन्वेंट्री बाय करके अमेजोन के वेयर हाउस भेजी होगी जो हमारी नुकसान में जाएगी। तो अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट है जिसमें FBM सेलर्स बैठे हुए हैं और प्राइस वो $5 $10 बाकियों से कम लगाते हैं, कभी ज्यादा कभी कम, तो उस प्रोडक्ट को भी आप एक दफा छोड़ दो, उसको भी करने की जरूरत नहीं है, मोस्टली उसमें FBA सेलर्स ही होने चाहिए। और सर एक क्वेश्चन ये था कि जैसे एक प्रोडक्ट है उसमें FBA सेलर्स भी हैं और FBM भी हैं, मींस के मर्चेंडाइज वाले भी हैं, तो उनकी जब वो चेक करनी है यूनिट यूनिट्स कितने सेल हो रहे हैं, तो उनकी कैलकुलेशन में उन्हें भी ऐड करना है कि मींस के एक सेल कर रहे हैं कि पर डे हो रही है 60, तो उसे कैलकुलेट करने के बाद जब एंड पे कैलकुलेट करना है कि एक सेलर कितने सेल कर रहा है, तो उसमें FBM वालों को भी ऐड करना है साथ। जी, उसको भी आपने, अगर उनको भी बाय बॉक्स मिल रहा है ना, फिर आपने उनको भी ऐड करना है, उनको भी चेक करना है कि भाई ये कितनी सेल्स ले रहा है, क्योंकि वो डिवाइड तो सब में ही हो रही है, जरूरी नहीं सिर्फ FBA वाले नहीं देखने, अगर उनको भी बाय बॉक्स मिल रहा है तो सेल्स उनको भी मिल रही है, ठीक है, फिर वो सब जी में ही ठीक डिवाइड होगी, तो फिर आपने वो भी काउंट करने हैं साथ ही। है सर। जी, और किस और कोई आपका क्वेश्चन हो, किसी नहीं सर यही तो बस। और का कोई क्वेश्चन? सर कुछ प्रोडक्ट्स पे ऐसे भी है कि ना सेलर्स बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर, और जो अगर हम बाय बॉक्स देखें ना, तो जो कुछ सेलर्स जिनके ऊपर -1 या -2 या -1 आ रहा होता है उनको बाय बॉक्स, तो हमने उस प्रोडक्ट पे जाना है कि नहीं? दोबारा रिपीट करिएगा अपना क्वेश्चन। सर मैंने ये कहा है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी है जिनके ऊपर 10 सेलर बैठे हुए हैं, अगर बाय बॉक्स देखे ना उसके अंदर, तो कुछ को 20% मिल रहा है, कुछ को 1 भी मिल रहा है, कुछ को 2 भी मिल रहा है, कुछ को 3 भी मिल रहा है, तो उस प्रोडक्ट पे जाना है हमने। उसमें आपने ना फिर चेक करना होगा, उसमें 2-3 रीजन होते हैं, या तो होता है कि ब्रांड का ही वो सेलर होता है, फॉर एग्जाम्पल ब्रांड खुद ही वो सेल कर रहा होता है, या तो टॉप पे वो ब्रांड हो, 2-3 सेलर, अगर फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है उसमें 10 सेलर बैठे हैं
और 10 में से सिर्फ 2 या 3 को ही बाय बॉक्स मिल रहा है। आपने उसकी रेंज देख लेनी पहले, 90 डेज की कर लें, ठीक है, 90 डेज के बाद 180 डेज करके भी चेक कर लें अगर कोई इस तरह की प्रोडक्ट आ जाती है। अगर आपको लगता है कि भाई सिर्फ 2 या 3 सेलर्स हैं उनको ही मिल रहा है, बाकी किसी को मिल ही नहीं रहा, ठीक है ना, चाहे वो प्राइस कम भी कर रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहा, तो फिर उसको छोड़ दें, क्योंकि फिर वो चांसेस ये हैं कि जो 2 सेलर्स हैं वो ब्रांड के अपने ही हैं, वो ब्रांड खुद ही सेल कर रहा है, नाम उसने चेंज किया होगा, तो वो प्रोडक्ट आप छोड़ दो, क्योंकि वो फिर बाकियों को बाय बॉक्स दे ही नहीं रहा, तो हम अगर गया तो हमें भी नहीं देगा, हमने तो एज अ न्यू सेलर जाना है, तो हमारे चांसेस उस बाकियों से और कम होंगे, तो वो प्रोडक्ट भी छोड़ दें। और इसके अलावा कोई? ओके सर। और किसी का कोई होगा क्वेश्चन? नहीं है? नहीं सर, ओके। चलो ठीक है। अच्छा, आज हमने देखना है कि डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग करनी है। डिस्ट्रीब्यूटर ये होता है कि फॉर एग्जांपल बाद औकात ब्रांड से जब हम कॉन्टैक्ट करते हैं ना, तो ब्रांड खुद अप्रूवल नहीं दे रहा होता, वो डायरेक्ट सेल नहीं कर रहा होता, उसने अपने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नेस्ले है, नेस्ले का फैसलाबाद में या पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर को पाकिस्तान में होगा, और पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, ठीक है, हर डिस्ट्रीब्यूटर को उसने दिया हुआ कि भाई इस शहर में आप मेरे मेन डिस्ट्रीब्यूटर, और जो बाकी लोग होंगे वो उस डिस्ट्रीब्यूटर से ही बाय करेंगे। हर बंदा डायरेक्ट वो मेन कंपनी से, मेन ब्रांड से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, तो इसी तरह से ये जो ब्रांड्स हैं अमेजोन पे होंगे, इनके भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं डिफरेंट, ये हर ब्रांड का डिफरेंट, इन्होंने 3, 4, 5, 6 अपने डिस्ट्रीब्यूटर रखे होते हैं फिक्स, कुछ ब्रांड में फिक्स रखे होते हैं कि वो मजीद नए डिस्ट्रीब्यूटर ऐड कर ही नहीं हो रहे होते, वो डायरेक्ट अप्रूवल दे ही नहीं रहते। जब आप उनसे कॉन्टेक्ट करते हो ना, वो आपको बताते हैं कि भाई हमारे फलां फलां डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप उनके उनके पास जाओ, उनसे कॉन्टेक्ट करो और आप उनसे इन्वेंट्री बाय कर लो, हम डायरेक्ट अप्रूवल आपको दे ही नहीं रहे, हमारे अप्रूवल क्लोज्ड हैं, या कोई भी वो रीज़न दे देंगे कि भाई हम अभी नहीं दे रहे, 2-3 महीने के बाद देंगे, या हम दे ही नहीं रहे, कोई भी वो रीज़न दे सकते हैं, तो उस सूरत में हमें डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। इस डिस्ट्रीब्यूटर में हमारे मार्जिन तो थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन ये है कि हमें अगर अप्रूवल मिल जाए तो हमारा कुछ ना कुछ उसमें मार्जिन निकल रहा होता है और हम वो प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब एक और इसमें सिनेरियो है कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल ले लेते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास सिर्फ एक ब्रांड नहीं होता, वो सिर्फ एक ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, उसके पास काफ़ी सारे ब्रांड्स होते हैं, तो उससे हमें फ़ायदा एक ये हो जाता है कि फॉर एग्जांपल हम एक ब्रांड के पास जाते हैं, उसे डायरेक्ट इन्वेंट्री लेते हैं, तो हमें सिर्फ उस ब्रांड का अप्रूवल मिला है। लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से हम बाय करना शुरू कर देते हैं, उसके पास काफ़ी सारे ब्रांड्स होंगे और सैकड़ों प्रोडक्ट्स होंगी, तो अगर हमें वो डिस्ट्रीब्यूटर ही मिल गया तो वो हमें बहुत सारे ब्रांड्स का दे देगा, बहुत सारे ब्रांड्स की प्रोडक्ट वो हमें दे सकता है, और हम वो डिफरेंट ब्रांड सेल कर सकते हैं, चाहे हमारे मार्जिन कम है लेकिन हमारा रेवेन्यू ज़्यादा हो सकता है, और वो रेवेन्यू की बेस पे हम अपने वो मार्जिन्स भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पे हम अगर एक ब्रांड सेल कर रहे हैं और एक टाइम पे 10 ब्रांड सेल कर रहे हैं, तो उसमें हमारा वो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, और रेवेन्यू इंक्रीज होने में हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो आज हम पहले वो देखते हैं कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह से हंट करने हैं। पहले फॉर एग्जांपल हम आ गए गूगल पर, अब आपने देख लें कि आपने किस कंट्री में करना है, हम फॉर एग्जांपल यूएसए में कर रहे हैं, इसके लिए पहले तो आप अपना ना वीपीएन ऑन रखो, जिस तरह ये इस ब्राउजर पे मैंने वीपीएन ऑन किया हुआ, ठीक है, अपना वीपीएन आपने यूएसए का लगा के रखना है, उसके बाद जी इधर आप लिखो, फॉर एग्जांपल हमने यूएसए के डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करने हैं। सर वीपीएन पे वो लोकेशन भी ऐड करनी होती है या सिंपल उसको ऑन कर देना होता है? वीपीएन पे आप सिंपल उसको ऑन कर दो, लोकेशन वो खुद ही डिटेक्ट कर लेता है। मिसाल के तौर पे अगर ये है वीपीएन हमने लगाया है, ठीक है, यहाँ पे आपने यूएसए सिलेक्ट करके इसको ऑन कर देना है और ये चलता रहे। जी सर। अच्छा, इस पे आप सर्च करो यूएसए, उसके बाद आपने देखने होलसेलर, हमने इसके देखने, ठीक है,
ठीक है। अब ये होलसेल को कॉमास के अंदर लिखने का मकसद ये है कि जो भी हमें रिजल्ट शो हो उसमें ये मेंशनड हो कि भाई होलसेल, उसमें ये वर्ड लाजमी मेंशनड हो, ठीक है। ये कॉमा में लिखने का फायदा ये है कि इसको हमने लॉक कर दिया इधर। साथ इसके आप लिख दो सप्लायर, साथ आप अपनी कैटेगरी लिख दो कि आपने किस कैटेगरी में सर्च करना है। फॉर एग्जांपल पेट्स है, पेट एंड पेट सप्लाईज है। अच्छा, ये इस तरीके से आपने इसको कर देना है, पेट सप्लाईज SUPLI, ठीक है। ठीक है, ये आपने लिखा और इसको आपने सर्च कर देना है इस तरीके से। ये आप अपने ये जो फॉर्मेट है अपने माइंड में रख लें, इस तरीके से आपने लिख के इसको गूगल पे सर्च कर दिया। अच्छा, ये आपने सर्च किया, ये डिफरेंट रिजल्ट्स आपके पास आना शुरू हो गए। ये एड्स वाले को आप एक दफा छोड़ दो। अच्छा, इसमें से आप वन बाय वन इनको चेक करना शुरू कर दो। जैसे ये पहला एक आया जी होलसेल पेट, इसको कर लो। उसके बाद है जी होलसेल सेंट्रल, इसको कर लो, और पेट स्टोर USA, ये कर लो। अच्छा, इनको आप वन बाय वन आप चेक करो कि फॉर एग्जांपल अब ये देखें, ये एक है जी सप्लायर है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अब आप इधर ऊपर टॉप पे देखो तो ये बता ब्रांड्स भी दिखा रहा है। अब ब्रांड्स पे आप क्लिक करोगे तो ये इतने सारे, ये सारे ब्रांड्स को ये सेल कर रहा है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल हम वैसे एक एक ब्रांड के पास जाते हैं, उनसे अप्रूवल लेते हैं, लेकिन अगर ये सप्लायर हमें अप्रूवल दे दे तो ये इतने सारे ब्रांड्स का अप्रूवल इसके पास ऑलरेडी है। इसमें हमारे मार्जिन थोड़े कम हो गए, लेकिन अगर इतने सारे ब्रांड्स का हमें अप्रूवल मिल जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है कि हमें डायरेक्ट वन बाय वन इतनों से नहीं कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। अब ये सारे ब्रांड्स अमेजोन पे सेल नहीं हो रहे होंगे, इनमें से कुछ सेल हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे होंगे। हमें जब इसने अप्रूवल दे दिया उसके बाद ये हमें पूरी लिस्ट देगा, उस लिस्ट में से हम चेक करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल इनमें से मैं कोई एक प्रोडक्ट उठा, एक ब्रांड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये अल्फा पा है, इसको हमने उठाया और इधर हम अमेजोन पे इसको चेक करते हैं कि अमेजोन पे ये सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये देखें, ये प्रोडक्ट सेल हो रही है सेम ब्रांड की, ठीक है। अब ये भी उसी की है, ये एक ही प्रोडक्ट आई है, ये दूसरी आ गई, और इस तरह इस ब्रांड्स की प्रोडक्ट काफ़ी सारी सेल हो रही हैं। तो हमें ये पता चल गया कि भाई ये ब्रांड्स अमेजोन पे भी इनमें से कुछ ना कुछ सेल हो रहे हैं, जैसे हमने पहले ही चेक किया और वो सेल हो रहा है अमेजोन पे। तो इससे अगर हमें अप्रूवल मिलता है तो हमें काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी कि जिसे हम सेल कर सकते हैं। अब ब्रांड्स पे ये हमने देखा, उसके बाद इसकी कैटेगरीज में ये सारी ये कैटेगरीज ये अकेला सेल कर रहा है, ठीक है। पेट्स है, हार्नेस है, यानी ये है पेट्स की, लेकिन उसमें डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी वो सेल कर रहा है। अच्छा, इस पे हमने अब इससे कांटेक्ट करना है, इसके कांटेक्ट करने का सेम वही तरीका है, ठीक है। ये ऊपर इसने अपना ईमेल दिया हुआ है और अपना नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। आप इसका ईमेल उठाएं, का ईमेल उठाया, कॉपी किया और सेम अपना वैसे ही शीट में इसको ये शीट आई, इसमें आपने इसको मेंशन कर देना है कि जहां पे ईमेल है इसका वहां पे आपने इसका ईमेल लिखा, आगे कॉन्टेक्ट में आ गया आपने इसका कॉन्टेक्ट नंबर दे देना, ये साथ ही इसका कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन है। अच्छा, ये इसका नंबर आ गया और उसके बाद आगे, अच्छा ये इसकी दो चीजें आ गई और इसकी वेबसाइट भी आपने वैसे इसकी वेबसाइट कॉपी की और ये इसकी वेबसाइट आपने मेंशन कर दी। अच्छा, दूसरा कुछ होलसेलर होते हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन दे रहे होते हैं कि आप इनके साथ रजिस्टर करें और डिटेल्स दें, और ये वहीं पे आपका कॉन्टैक्ट थोड़ी देर में आपका डाटा वेरीफाई करते हैं और आपको अप्रूवल दे देते हैं। जैसे अभी इसने भी रजिस्टर का दिया है, चेक कर लेते हैं अगर ये भी वैसे ही दे रहा था।
हाँ इस तरह के ये फॉर्म भी दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, यहाँ पे आप अपना ईमेल हमने देना है, उसके बाद पासवर्ड वगैरह, कोई न्यू पासवर्ड सिलेक्ट करेंगे, कंपनी का नेम, जिस कंपनी की बेसिस पे हम चेक कर रहे हैं, जब अमेजोन का अकाउंट बनता है तो उससे पहले कंपनी बनती है LLC, ठीक है, वो LLC हमने नेम यहाँ पे दे देना है, उसके बाद अपना नेम, फोन नंबर और टैक्स आईडी, रीसेलर सर्टिफिकेट मिलता है वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना, और ये यहीं पे हमें अप्रूवल भी दे देगा। थोड़ा टाइम ये लेगा डॉक्यूमेंट्स को चेक करने में, और उसके बाद ये अप्रूवल भी दे देगा हमें। और यहाँ पे आप इसको मेंशन कर दो कि ये इसका कॉन्टेक्ट फॉर्म आ गया ऑन वेबसाइट, और यहाँ पे हमने डिटेल वो कॉपी की और इंटर कर दी। इस तरीके से आपको काफी सारे ब्रांड्स का एक ही बार में मिल जाना है। अब ये इसके कॉन्टेक्ट में आप जाओ तो अब इसका ये नंबर ऑलरेडी ऊपर शेयर हो रहा है, नंबर भी हमने यहाँ से उठा लिया। अगर यहाँ पे किसी का ऊपर नहीं आ रहा तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट का या कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होगा, वहां से आपको नंबर और उसका ईमेल मिल जाएगा। अब इसमें इस तरह के ब्रांड, एक तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसमें जो अप्रूवल मिलता है वो ब्रांड की निस्बत जल्दी मिल जाता है, उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं कि ब्रांड बाद का मना कर देता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर आपको अप्रूवल दे देते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें एक तो आप इसको ईमेल भी कर सकते हो जो इसने ईमेल आपका दिया हुआ है, और साथ आप यहाँ पे इसको ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो, दोनों तरीकों से करो। और तीसरा ये नंबर भी है, तो इसमें तीन मेथड्स हैं जिस तरीके से आपको अप्रूवल वो देता है, आप तीनों करो। पहले ईमेल करो, साथ यहाँ रजिस्टर कर दो, अगर वो नहीं मानता तो उसको कॉल पे उसे कॉन्टेक्ट करो और वहां से आप अप्रूवल ले सकते हो। अच्छा ये एक आ गया, अब दूसरी किसी वेबसाइट पे आ जाओ, ये दूसरी हमने ओपन की। सर जी, जो अभी आपने बताया कि वो कंपनी नेम, उसके बाद वो आईडी जो होती है रीसेलर की, वो चीजें जी जो पेश करनी है वो तो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ना ही कंपनी कंपनी हम हार्डवेयर यूज करेंगे हार्डवेयर। नहीं, कंपनी नेम वगैरह और बाकी चीजें आपको प्रोवाइड कर देंगे जब आपने ये स्टार्ट करना है ना, ठीक है, तो जी सर, जी कंपनी नेम और जो बाकी चीजें वो डिटेल सर, मैं आपको दे दूंगा, आपने वही सर कॉपी। इसके लिए, इसके लिए सर, इसके लिए कीपा की तो नहीं जरूरत पड़ेगी। नहीं, इसके लिए नहीं कीपा की जरूरत पड़नी। तो सर ये एज कंपेयर टू ब्रांड अप्रूवल या ब्रांड हंटिंग ये इजी है मेरा ख्याल। और एक तो सर वो कीपा का बहुत इशू कर रहा है वो, एक तो हमने उसको स्क्रीनशॉट भेज भेज के, मेरा ख्याल कोई 30+ उसको भेज दिए हैं। मैं सुबह भी उमर भाई के पास गया था उधर, तो मैंने वर्किंग स्टार्ट की वो दो, लेकिन वो कीपा नहीं चल रहा था। फिर उसका पासवर्ड हमने रीन्यू किया, जो उनका आता है अपडेट पासवर्ड, उससे भी नहीं कोई हेल्प मिली। तो अगर हम उसको प्रोडक्ट ब्रांड हंटिंग को जोड़ के अगर ये होलसेलर पे अगर हम लग जाए तो ये अच्छा नहीं है सर हमारी, नहीं, या वो भी वो करनी। लाजमी है, वो तो करना ही करना है ना, उसको छोड़ के नहीं होना। ये उसके बाद का सीन है कि अगर ब्रांड, क्योंकि इसमें मार्जिन आपके कम है, इसमें ये नहीं है कि आपको जल्दी मिल रहा है और जल्दी हो जाना है सीन, नहीं। इसमें एक तो ये डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिलने थोड़े मुश्किल से हैं, ये तो चलो आसानी से मैंने एक दो निकाल दिए हैं, आपको मिलने इतनी जल्दी नहीं मिल जाने। दूसरा उसके बाद आपके मार्जिन कम है, और तीसरा जो मेन बात ये है कि जब आपने डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल आपको मिल गया है ना, उसके बाद आपने उसकी एक एक प्रोडक्ट निकाल के वापस अमेजोन पे उसको चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने इस डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट किया जिसने मुझे अप्रूवल दे दिया, इसने मुझे प्रोडक्ट्स की लिस्ट दे दी, अब वो एक एक प्रोडक्ट को मैं उठाऊंगा, कुछ फिल्टर लगाए, कुछ मैंने उनमें से फिल्टर कर दी और कुछ निकाल ली। अब जो मैंने निकाल ली है उनको मैं अमेजोन पे जाके सर्च करूंगा, अब जब मैंने अमेजोन पे सर्च किया तो फिर मैंने वहां पे उसके वही सारे स्टैट्स देखने हैं जो मैंने प्रोडक्ट हंटिंग में देखे थे, ठीक है। अगर वो सारे उसके फिल्टर्स अप्लाई हो रहे हैं, वो सारा, फॉर एग्जांपल उसकी सेल्स भी अच्छी हैं, ठीक है, हम बाय बॉक्स भी रोटेट हो रहा है, वो सारी चीजें हो रही हैं, तो फिर मैं वो प्रोडक्ट को करूंगा, फिर मैं उसकी इन्वेंट्री बाय करूंगा। अगर उसका वो क्राइटेरिया नहीं कंप्लीट हो रहा तो वो अकेला अप्रूवल नहीं मुझे चाहिए, मुझे वो प्रोडक्ट भी चाहिए जिसमें मेरे मार्जिन भी हों, जिसमें मेरी सेल्स भी हैं। तो वो कीपा तो आपके यूज होना ही होना है, हाँ जी सर, जी वो लाजमी होना है यूज, वो ये नहीं कि आपको कहो कि भाई ये काम छोड़ के वो कर लेते हैं, वो ना वो भी इस्तेमाल है वो आपका। चाहे ये होगा कि फॉर एग्जांपल आप 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, हफ्ता आप इस पे लगाते हो, लेकिन जब फिर आपको प्रोडक्ट की लिस्ट मिल जाएगी आपने फिर वो कीपा यूज करना है, तो बेहतर ये है कि आपको उसमें एक दफा प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि बाद में आपको मसला ना हो।
नहीं सर, हमने डिसाइड किया दो लोगों ने, बाकी का तो पता नहीं। कि जो है ना, हम जो पेड़ जो मतलब एक तो होता है ना शेयरिंग बेस, जो रियल है ना मतलब अकाउंट, वो आप बता रहे थे मेरे ख्याल 20 पाउंड या 25 पाउंड जितने बनते हैं, वो हम दो लोग कर लें उसको, फिर टाइम के हिसाब से 12 घंटे वो और 12 घंटे में इस तरह को सीन कर लें। ये तो बहुत, ये तो वर्किंग नहीं करने दे रहा हमें ना, मतलब पता नहीं चल रहा चीजों का। बाई बॉक्स का तो सबसे अहम इशू है, वो ही तो चीज है देखने में सब, बाकी का तो विदाउट फिल्टर भी हमें चीजों का पता चल रहा है। अगर वही नहीं चीज मिली तो हमारी हंटिंग का क्या फायदा। तो इसलिए हमें आज ही ना वो बाय करना है, अगर कोई हुई चीज तो मैं आपसे हेल्प लूंगा, गाइड कर दीजिएगा अभी हाँ चलें ठीक है, क्लास बेस्ट क्लास है, आप के बाद। पर्सनल बाय कर लो, कोई मसला नहीं है, वो ज़्यादा बेहतर है, आप अपने टाइम के उस हिसाब से यूज़ करोगे, किसी का कोई मसला मसाइल नहीं होगा। जी सर, उसके लिए मैंने फेक सर ईमेल एड्रेस बनाया, तो उस पर ही हम लॉगिन कर लेंगे, वही पासवर्ड शेयर हो जाएगा। चलें ओके हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा अब ये आप आ गए हो दूसरे सप्लायर के पास ना, पहले हमने ये इसका देख लिया कि अब मैं तीन ये सिर्फ सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, वरना मेथड इनका सेम ही है। अभी हम दूसरे किसी और के पास आए, ठीक है, इसके पास आप देख लो कि एक आपने चेक भी करना है कि कोई ऑथेंटिक ही है ना। अच्छा अब ये नीचे ब्रांड्स बता रहा है कि हम हमारे पास ये ब्रांड्स हैं, हम इन इनको सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इनमें से कोई एक ओपन करता हूँ, जैसे ये ओपन किया, अब ये इसकी प्रोडक्ट्स उसने दिखा देंगे, भाई ये हमारा ब्रांड है और इसकी ये प्रोडक्ट्स हैं, ये डिफरेंट यानी ब्रांड्स को सेल कर रहा है उसमें। अब ये मेडिसिन वाली भी हैं और दूसरी और भी काफ़ी सारी हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी के इस पे आए और सप्लायर गेट, अब इस पे आप आओ नीचे, अच्छा एक तो ये होलसेल न्यूज़ पे कर लो और दूसरा है ये फाइंड सप्लायर्स पे करो एक दफा। अब ये साइन अप फॉर फ्री कह रहा है, यहाँ पे आपने अपना ईमेल देना है और अपनी बाकी डिटेल्स दे देनी है। पहले ईमेल दोगे ये नेक्स्ट आपको ले जाएगा, वहां पे आपने अपनी दूसरी डिटेल्स है इसको दे देनी है। इसको एक दफा बैक आओ और कॉन्टेक्ट पे इसका ना एक, ये कॉन्टेक्ट इसका ये ओपन करो, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपना नेम और ये वही है कंपनी नेम, अपना नेम, फोन नंबर, ईमेल और मैसेज बता देना है कि हम आपके साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, हम एज अ रिटेलर आगे सेल करना चाहते हैं आपके प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट पे या अमेजोन पे या डिफरेंट वेबसाइट्स पे हम सेल करना चाहते हैं, ठीक है। और नीचे ये इनका फोन नंबर दिया हुआ है, ठीक है, आप वो फोन नंबर उठा लो, ठीक है। और ये इनकी दूसरी कोई वेबसाइट है, इसको रहने दिया, दोनों इन्होंने फोन नंबर दिए, ईमेल नहीं दिया, तो ईमेल नहीं दिया, ठीक है। आप ये फॉर्म फिल करो और इसको सेंड कर दो, साथ इसका नंबर ले लो, इसको कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक हो गया। अब ये एक हो गया और ये तीसरा हम एक और ओपन कर लेते हैं, अब ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि भाई ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट का भी ऑप्शन दे रहा है कि आपने अब अपने पेट्स की थी तो ये पेट्स ही हमें दिखा रहा है कि डॉग्स हैं, कैट है, बर्ड है, आपने जिसकी भी सिलेक्ट करोगे वो प्रोडक्ट्स आपको दिखाने शुरू कर देगा। जैसे ये अब कैट्स की प्रोडक्ट वो दिखा रहा है कि ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब इन प्रोडक्ट्स को हम कॉपी करेंगे, अमेजोन पे सर्च करेंगे तो इनमें से कुछ सेल हो रही होंगी, कुछ नहीं सेल हो रही होंगी, ठीक है। अब इनसे आपने डायरेक्ट इनसे कॉन्टेक्ट करना है भाई, अब यहाँ पे ये एक तो है माई अकाउंट, इस पे करो आप और उसके बाद इनका कॉन्टेक्ट पे कर लो।
अच्छा ये कॉन्टेक्ट पे आपने किया तो ये सेम वही अपना नेम दे दें, ईमेल दें और अपना कमेंट लिख दें कि भाई हम अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद माय अकाउंट पे आओगे तो ये लॉगिन मांग रहा है, नहीं हमारा अकाउंट अभी बना नहीं है तो उस वजह से लॉगिन मांग रहा है। बाकी इसका साथ ये नीचे इन्होंने ईमेल दिया है, इसके ईमेल आप उठा लें, ठीक है, और इसको ईमेल कर दें कि भाई हम अकाउंट ओपन करना चाहते हैं आपके साथ। ये ड्रॉप शिपिंग भी अलाउ करता है, ठीक है, और इमेजेस शिपिंग पॉलिसी शॉप और पेट स्टोर, ठीक है। बस इस तरीके से आपने सर्च करने करते जाना है डिफरेंट को। अब ये तीन हमने निकाले थे, आप मजीद नीचे आओ तो आपको और भी मिल जाएंगे, जैसे ये एक मिल रहा है, उसके बाद OMG एक ये है डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ, आप इसको देख लो। नहीं ये कोई अलग वेबसाइट है और इसमें डिस्ट्रीब्यूटर की पूरी लिस्ट दी हुई है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है और उसके आगे ये वेबसाइट है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है उसका आगे उसने नंबर और वेबसाइट दी हुई है, ठीक है। इस तरह की कोई मिलती है उनको, अगर इस तरह की कोई वेबसाइट मिलती है तो इनको हर वेबसाइट को वन बाय वन आपने ओपन करना है और चेक करना है, फिर उसका डाटा निकालना है, अगर वो ऑथेंटिक लग रही है फिर उसका डाटा उठाना है, वरना हर किसी का नहीं आगे। जैसे एक ये है इसको देख लो, अब ये आई प्रो एक वेबसाइट, ये भी अच्छी वेबसाइट लग रही है। अब इसके पास भी काफी सारी हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो इनमें से। आप आओ, अब ये फिश प्रोडक्ट्स हैं, कैट की हैं, ठीक है, उसके बाद डिफरेंट हैं, बर्ड्स की हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का आपने जाना है, ठीक है, पहले यहाँ से नंबर उठा लो और बाकी कॉन्टेक्ट अस पे जाओ, वहां से उसकी बाकी डिटेल्स आपने उठा लेनी है। ये नंबर भी दिया हुआ है, आगे कॉन्टेक्ट अस पे करोगे तो ईमेल वगैरह या ये फॉर्म दे देगा, ये ईमेल इसने दिया हुआ है, ठीक है, और ये फोन नंबर दिया हुआ है। आपने ये दोनों चीजें उठा लेनी है, इसकी वेबसाइट उठा लेनी है और इसको बाद में कॉन्टेक्ट करना है कि भाई हम आपके साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, और अकाउंट इस तरीके से आप इसके साथ ओपन कर सकते हो। ये इस तरीके से आपने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करने हैं कि जिनके साथ आप कॉन्टेक्ट करो और इनके साथ अकाउंट ओपन करो। ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने काफी सारे ब्रांड से कॉन्टेक्ट कर लिया है, कुछ अप्रूवल मिले हैं, अब आप मजीद आगे आपको थोड़ी सी आ रही है मुश्किल आ रही है अप्रूवल्स लेने में, तो आप साथ ही साथ एक बंदा डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना भी शुरू कर देता है कि भाई हमें चले यहाँ से, हम ब्रांड्स के साथ भी कांटेक्ट कर रहे हैं, साथ ही हम डिस्ट्रीब्यूटर से भी कांटेक्ट करना शुरू कर दें, जहाँ से हमें अप्रूवल जल्दी मिल जाए, हम वहाँ पे अपनी वर्किंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। ठीक हो गया, इसमें किसी किस्म की हेलो। सर आपकी बात कटी। मैंने कहा जो अभी बताया है इसमें किसी किस्म का कोई मसला हो, समझ ना आई हो। नहीं सर क्लियर। ओके अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ईमेलिंग ब्रांड्स। जब आपने फॉर एग्जांपल डेटा हमने इकट्ठा कर लिया डिफरेंट ब्रांड्स का, ठीक है, जैसे ये आपने डिफरेंट ब्रांड्स के ईमेल इकट्ठे किए हैं, अब ये ईमेल का बाद में काम ये होता है कि आपने ब्रांड के साथ कांटेक्ट करना है कि उन्हें ईमेल करने हैं, और इसके लिए पूरा टेम्पलेट बना होता है। जैसे मैं आपको एक टेम्पलेट दिखाता हूँ, अब ये फॉर एग्जाम्पल एक टेम्पलेट बना हुआ है, इसमें ये है कि पहले आप अपना इंट्रो दो, उसके बाद अपनी कंपनी के बारे में बताओ, साथ उन्हें बताओ कि भाई हम आपकी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, हम ब्रांड के साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपनी डिटेल्स वगैरह उसके साथ शेयर कर दो कि भाई ये हमारी कंपनी का नेम है, ठीक है, ये है। और अपनी कंपनी का नेम आपने मेंशन करना होता है, EIN नंबर मेंशन करना होता है। EIN नंबर होता है कि जिसकी बेसिस पे आप अपने टैक्स वगैरह पे कर रहे होते हो, साथ रीसेलर सर्टिफिकेट आपका बनता है। रीसेलर सर्टिफिकेट ये होता है कि हम एज अ रीसेलर काम कर रहे हैं और हमें टैक्स से एग्जेम्पशन होती है कि हमने टैक्स ज्यादा नहीं पे करना होता, क्योंकि हम एक कंपनी से ले रहे हैं और आगे कस्टमर को दे रहे हैं, हमारी अपनी प्रोडक्शन वगैरह कोई नहीं है, तो ये चीजें हमने सेंड करनी होती हैं किसी को भी। इसमें सिंपल यही है, फॉर्मेट आपने उठा लेना है, ठीक है, उसको अपने मुताबिक थोड़ा सा चेंज करें, और जिस तरह ईमेल आप हमारा सिंपल ईमेल नहीं होना, कंपनी का ईमेल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट वगैरह आप बनाते हो,
वेबसाइट की बेस पे आप पे ईमेल बन जाता है, जैसे सेल्स एड, जैसे हमारी ये काफी हमने ईमेल इकट्ठे किए हैं ना, इसी तरह का हमारा भी एक ईमेल होगा, जैसे ये cs@shoppingmebasics.com है। इसी तरह हमने हम बना सकते हैं जी purchase@ कोई भी नाम आ गया हमारी, जैसा वेबसाइट का नेम है उसकी बेसिस पे हमने एक प्रोफेशनल ईमेल बनाना है और उस ईमेल से हमने उनको टेक्स्ट करना शुरू कर देने हैं, और वो ईमेल का हमें एक दो दिन में रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा और हम उसके बाद उनसे मजीद निगोसिएशन करेंगे कि भाई हम आपके साथ कॉन्टेक्ट, कुछ को वो वैसे ही फॉरन रिजेक्ट कर देंगे, कुछ की वो कंडीशन लगाएंगे कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई वहाँ पे फिजिकल स्टोर अवेलेबल है कि नहीं। अगर वो आपको कहते हैं ना कि भाई आपका वहाँ पे कोई फिजिकल स्टोर है, अब हमारे केस में ये होता है कि फिजिकल स्टोर तो होता कोई नहीं, जो होता है वो ऑनलाइन ही सिस्टम सारा चल रहा होता है और हम उसे कह नहीं सकते कि भाई हमारा फिजिकल स्टोर नहीं है, क्योंकि वो प्रेफर ये करते हैं कि फिजिकल स्टोर हो तो हम उस बंदे के साथ काम करें, तो हम उन्हें ये कहते हैं कि जी हमारा फिजिकल स्टोर है, और वो फिजिकल स्टोर की जगह हम जो अपना प्रेप सेंटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम उसका एड्रेस दे देते हैं कि भाई हमारा ये वेयर हाउस है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी इन्वेंट्री आएगी, यहाँ से हम आगे कहीं भी रिसेलर्स को रिटेलर्स को हम आगे सेल करेंगे। तो वो फिजिकल एड्रेस के लिए हम अपना जो प्रेप सेंटर है, एक या दो प्रेप सेंटर है, हम उनको अपना वेयर हाउस कह के उन्हें शो करवाते हैं कि भाई ये हमारे वेयर हाउसेज हैं, यहाँ पे हमारी और भी ब्रांड से हमारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं और हम यहाँ से सेल करते हैं। हम उन्हें ये नहीं कहते कि नहीं भी हम सिर्फ ऑनलाइन ही कर रहे हैं, हम उन्हें कहते हैं कि भाई ये हमारी फिजिकल अपीयरेंस मौजूद है। तो इस तरीके से डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल करके हम उनसे अप्रूवल लेते हैं। अब तीसरा है कि होलसेल का फॉर्म फिल ऑन वेबसाइट। अब जब आपने काफी सारी प्रोडक्ट्स निकाली हैं, ये प्रोडक्ट्स निकाली और वेबसाइट का आपने डाटा निकाले, इनमें काफी इस तरह की भी होंगी, आपने खुद चेक किया होगा, जिसपे होलसेल फॉर्म दिया होगा, जिस तरह मैं आपको एक दिखाता हूँ कि अब ये फॉर एग्जांपल कुछ वेबसाइट्स हैं, इन्होंने अपना फॉर्म दिए हुए हैं कि आप डायरेक्ट वहीं पे अप्लाई करो। ये जैसे मैंने अभी ओपन किए वेबसाइट, अब ये किसी एक ब्रांड की वेबसाइट है, ठीक है, अब इसने ये नीचे ऑप्शन है बिकम अ रिसेलर, ठीक है, मतलब आप इसके साथ यहाँ पे डायरेक्ट होलसेल का अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब इसमें आपने अपनी डिटेल्स इंटर कर देनी है कि भाई जैसा कि नहीं इसने नहीं, एक मिनट, अब ये एक वेबसाइट कोई और ओपन की है, ठीक है, इसमें आप आ जाओ मजीद नीचे और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में देखो के सप्लाइज कोड टर्म्स हैं, उसके बाद रिसोर्सेज हैं, अब ये इसके कॉन्टेक्ट अस पे हमने जब क्लिक किया तो ये आप देखें आगे ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ पे आई एम रिटेलर, ठीक है, ये डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है कि भाई यहाँ पे एक मेंशन है कि आई एम रिटेलर स्टोर और डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, यहाँ पे आप ये सिलेक्ट करो कि भाई मैं एक रिटेलर हूँ, ठीक है, ये आपने सिलेक्ट किया। आगे मजीद आपने वही डिटेल देनी है कि भाई हमारा नेम क्या है,
पहले ही एक अपनी बना के रखनी है कि भाई इस वेबसाइट पे हम सेल कर रहे हैं। वो वेबसाइट सिर्फ शो करवाने के लिए होती है, उस पर हम असल में सेलिंग नहीं कर रहे होते, लेकिन वो सिर्फ ब्रांड को शो करवाना है कि भाई हम इस वेबसाइट पे भी सेल कर रहे हैं और यहाँ पे हम सेल करते हैं। उसको हमने ये नहीं डायरेक्ट बताना कि हमने डायरेक्ट अमेजोन पे ही सेल करना है, उसे हमने दिखाना है कि भाई हम डिफरेंट ई कॉमर्स मार्केट में सेल करते हैं, हमारी अपनी वेबसाइट हम वेबसाइट पे करते हैं और डिफरेंट जगह हम वहाँ पे सेल करते हैं। तो हमने वो शो करवा देना कि भाई हम प्राइमरली हम स्टार्ट हम अपनी वेबसाइट से करते हैं और उसके बाद हम और भी जगहों पे सेल करते हैं और मार्केट प्लेसेस पे भी हम सेल करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सेल हासिल कर सकें। तो वो आपने यहाँ पे टेम्पलेट देना है, वो सारा यहाँ पे मेंशन किया और इसको आपने सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करना है और ये सबमिट हो जाएगी। ठीक है, यही इस तरीके से आपका फॉर्म फिल होगा। ये डिफरेंट सब ने नहीं दिया होता, कुछ वेबसाइट्स ने इस तरह के फॉर्म दिए होते हैं होलसेल के। ठीक है, आपने वो वेबसाइट निकालनी है, वो निकालनी क्या है, जिसने दिया हुआ है उसका फॉर्म आपने इस तरीके से फिल कर देना है। जिस तरह और कोई भी देखते हैं, अब ये इस तरह का फॉर्म होगा। अब उस फॉर्म में आम फॉर्म जो होता है ना, जिसमें सिर्फ कॉन्टेक्ट अस पे जाते हैं और बाद का फॉर्म दिए होते हैं, उसमें सिंपल उन्होंने आपका नेम, फोन नंबर, ईमेल और आगे भी कमेंट आप लिख दें आपने क्या बात करनी है। ठीक है, सिंपल ये मांगा होता है। लेकिन जो आपका होता है ना फॉर्म बिजनेस अकाउंट का या होलसेल अकाउंट का, उसमें आपका उन्होंने कॉन्टेक्ट नेम, उसके बाद कंपनी नेम, कंपनी नेम उन्होंने लाजमी मांगा होता है। कंपनी नेम आपने देना है, उसके बाद आपने इंडस्ट्री सिलेक्ट करनी है, अपना यूएसए में कर रहे हैं, यूके में, क्या किस जगह पे कर रहे हैं, फोन नंबर। ठीक है, उसके बाद अपना यहाँ पे आप टाइटल दे दो, सब्जेक्ट क्या है, आपने लिख देना कि हम होलसेल का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, होलसेल अकाउंट रिक्वेस्ट लिख दिया। और नीचे मैसेज में वही पूरा एक टेम्पलेट जो बनाया हुआ है कि हम आपके साथ सेल करना चाहते हैं, हमारा इतना MOQ है, इतनी हम एनुअली सेल करेंगे, पूरा टेम्पलेट यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है और इसको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो ये पूरा कंपनी का सारी डिटेल्स आ गई और इसको आपने क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ऊपर से आप सिलेक्ट कर लो कि आपकी क्या मार्केट है, या सिलेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप है कि हम सेल्स वाले जो इनका डिपार्टमेंट है, ये उन्होंने अपने डिपार्टमेंट दिए हुए हैं कि भाई टेक में, मार्केटिंग में, किधर आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, हम सेल्स वाले में कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, वो सिलेक्ट किया और बाकी जो डिटेल्स है वो हमने एंटर करनी है और इसको सबमिट कर देना। अच्छा, अब एक और टॉपिक है प्रॉफिट कैलकुलेशन। यानी फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे कोई ब्रांड है, उससे हमें अप्रूवल मिल गया। ठीक है, और अब हमने उसकी कोई प्रोडक्ट निकाली और हमने देखना है कि भाई इस प्रोडक्ट पे हमारा प्रॉफिट है नहीं है, अगर है तो कितना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि कोई भी प्रोडक्ट है, आप सर्च करोगे सिंपली जिस मार्केट अमेजोन FBA कैलकुलेटर, आगे अगर आप यूएसए में कर रहे हैं तो यूएसए लिख दें, यूके में कर रहे हैं यूके लिख दें, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, जिधर का भी कर रहे हैं वहां का आपने मेंशन कर देना है। जैसे ये यूएसए लिखा, वो जो फर्स्ट लिंक है आपने वो ओपन कर लेनी है। अब आपने भाई यहाँ पे फर्स्ट लिंक ओपन की और आगे ये आपसे एसिन मांग रहा है कि कौन सी प्रोडक्ट है जिसका आपने कैलकुलेशन करनी है। मैं मिसाल के तौर पे कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से उठाता हूँ कि जो हमने निकाली हुई है प्रोडक्ट, इनमें से कोई भी उठा ली, यही आप उठा लो, इसका आपने ऊपर से एसिन कॉपी किया और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो हमने उधर सर्च की थी, अब यहाँ पे आ गई, ये प्रोडक्ट थी, इसका हमने एसन कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और ये दिखा रहा है कि भाई इतनी इसकी सेल। अब यहाँ पे नीचे हमने कैलकुलेशन करनी, ये यहाँ पे इसकी डायमेंशंस और वेट वगैरह बता रहा है कि इतनी इसकी डायमेंशन है, इतना इसका वेट है। अब ये नीचे कैलकुलेटर पूरा, इसको कैलकुलेट पे आप क्लिक करो ना, सिंपली कोई वैल्यू नहीं ऐड की, तो
तो ये आपको बता रहा है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है इस पे अमेजोन की जो फीसिज हैं वो इतनी पड़ रही हैं, फॉर एग्जांपल 5.4 है वो इसकी फुलफिलमेंट की फीस है, ठीक है। और उसके बाद इसमें है जी 0.3 इसकी दूसरी फीसिज हैं, रेफरल फी है, रेफरल फी 15% होती है जो सेलिंग प्राइस है उसकी। अब यहाँ पे आप देखोगे ये $44 में सेल हो रही है, हमने अपनी सेलिंग प्राइस भी इसी हिसाब से कैलकुलेट करनी है कि फॉर एग्जांपल हम सेल करते हैं, यहाँ पे आइटम प्राइस जहाँ मेंशन है वहाँ पे आप लिख दो कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 44 की सेल हो रही है, हमने करनी है जी के 43.55 में हमने सेल करनी है, हमने थोड़ी सी लो प्राइस में जाना है एट स्टार्ट पे, ठीक है। ये आप कैलकुलेट पे जब आपने क्लिक किया तो देखो कि 72% हमारा मार्जिन आ रहा है, क्योंकि हमने अभी कोई कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं ऐड किया, सिर्फ अमेजोन की फीसेज है ये 63, ये अमेजोन की फीस है, रेफरल फी आ गई, ठीक है, ये अमेजोन की रेफरल फी आ गई जो 15% है, और उसके बाद जो फुलफिलमेंट की फीस है वो आ गई, बाकी और प्रोडक्ट की कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट ये हमने अभी ऐड नहीं की, ये अब हम ऐड करेंगे। अच्छा, शिपिंग कॉस्ट होती है इसके वेट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल इसका अगर वेट है 1 पाउंड है, आप करो यहाँ पे सिंपली गूगल पे आओ और यहाँ लिखो pound to kg, ठीक है। अब इसका था 1.1 पाउंड और ये आ रहा है जी के तकरीबन 500 ग्राम इसका वेट है, ठीक है। अब 500 ग्राम इसका वेट है, अब वेट के हिसाब से शिपिंग पड़ रही होती है, जो चाइना टू यूएसए होता है ना वो शिपिंग होती है तकरीबन आप लगा लो कि 1 kg पे आपको तकरीबन $2 की शिपिंग वगैरह पड़ रही होती है, ठीक है। लेकिन इधर हमने यूएसए इनसाइड यूएसए ही करना है, किसी दूसरी कंट्री से नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हम अपनी कैलकुलेशन तकरीबन ना $2 की रखते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट है उसका वेट कम भी है ना, चाहे 1 kg से उसका वेट कम भी है, तो हम $2 की रखते हैं कि भाई हमने पहले उसको प्रेप सेंटर भेजना है, प्रेप सेंटर में उसकी पैकिंग भी होनी है, ठीक है। वो पैकिंग की कॉस्ट वगैरह डाल के हम अपना एक एस्टिमेट रखते हैं कि भाई $2 हम मेरी इस पे कॉस्ट आ जाएगी प्रेपिंग की, और प्रेपिंग के साथ उसकी शिपिंग कॉस्ट डाल के मेरा $2 इस पे लग जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये बन गया तकरीबन 67%, ठीक है। अब इसका वेट भी थोड़ा ज्यादा है, इसकी पे शिपिंग हमारी ज्यादा भी पड़ सकती है, क्योंकि 500 ग्राम है, हो सकता है $1 तो मेरा वैसे शिपिंग पे चला जाए और $2 ऊपर चला जाए, तो इसको आपने बढ़ाना है तो बढ़ा लें, 3 कर दें, ठीक है, $3 आप कर लो एक एस्टिमेट के तौर पर। अच्छा, आपने $3 किया, अब आपने साथ कैलकुलेट करना, जो जब आपको ब्रांड से अप्रूवल मिलेगा आपको वो लिस्ट दे देगा कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है और ये मैं इतने में आपको सेल करूंगा, आगे आप जो सेलिंग प्राइस है उस हिसाब से अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो। फॉर एग्जांपल अब ये 43 के हम सेल कर रहे हैं, हमें ये पीछे से मिलती है जी $10 की लगा लें या $15 की लगा लें, $15 की आप लगा लें या ज़्यादा की शायद मिले, अगर ये 15 की हमें मिलती है तो इसमें हमारा 31% मार्जिन है, लेकिन ये इतना मार्जिन होता नहीं, इसमें तकरीबन 10%, 12%, 15% तक मार्जिन होता है। आप इसको 20 पर कर दो कि 20 की हमें मिली और ये 19% हमारा मार्जिन बन गया। अब ये जो कॉस्ट है ये आपको वो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है ये आपको वहां से मिलेगी जब आप करोगे अपना ब्रांड से अप्रूवल लोगे, तो ब्रांड आपको प्रोडक्ट की लिस्ट देगा, उस लिस्ट के साथ वो उसकी कॉस्ट भी होगी कि भाई ये इतने की प्रोडक्ट है और इतने में हमें मिली है और इतने में हम आपको देंगे और आगे आप जितने में मर्जी सेल करें। ये डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल मिलता है, वो भी आपको लिस्ट देगा, प्रोडक्ट होगी, प्राइस होगी, यूपीसी वगैरह होंगे। अगर ब्रांड से डायरेक्ट मिलती है तो ब्रांड भी आपको प्राइस भी बताएगा, प्रोडक्ट का भी बताएगा कि भाई ये प्रोडक्ट है इतनी इसकी प्राइस है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इतने में आपको मिलती है तो ये ऊपर आपका आपका बता रहा है प्रॉफिट, बता रहा है कि 19% आपका प्रॉफिट है और नेट जो प्रॉफिट है वो 1 यूनिट अगर सेल हो तो $8 आपको बचेंगे, ठीक है। क्योंकि अब इसकी सेलिंग प्राइस 43 है, तो अगर इसके में हमें 10% भी बचे, अब मैं इसको 10% के हिसाब से करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमें 30 की मिली, 30 तो ज़्यादा हो गया,
25 करके। अच्छा फॉर एग्जाम्पल भाई ये हमें, हाँ 24 की हमें मिल गई, 10% हमारा प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। और 10% में भी अगर हम करें तो अगर एक यूनिट भी सेल होता है तो हमें मिलेंगे इसमें तकरीबन भाई 4.55 डॉलर्स हमारा इसमें नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। हर खर्चा, सारे खर्चे निकाल निकूल के इतना हमारा, अगर हमें ये इस रेट पे मिलती है तो ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन होगा। और 10% तक तकरीबन प्रॉफिट निकल ही आता है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट की आप इसकी सेल्स चेक कर लो कि कितनी क्या है। अच्छा 2.8718, अच्छा ये डेली के तकरीबन 8 यूनिट सेल हो रहे हैं और ये 30 दिन के बनेंगे जी 240 यूनिट्स, ठीक है। और 4 सेलर बैठे हैं, इसको आप डिवाइड कर लो, 240 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी ये 240, यानी ये मंथली आप 60 यूनिट्स अपने सेल कर सकते हो, ठीक है। और उसको अगर आप प्रॉफिट के हिसाब से देखो कि हमारा प्रॉफिट इसमें बन रहा है जी 4.55, ठीक है, तो ये $250 आपका प्रॉफिट तकरीबन बनेगा। और रेवेन्यू भी आप इस हिसाब से कर सकते हो कैलकुलेट ना, कि इसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करो तो आपका रेवेन्यू निकल आएगा कि इतना हमारा रेवेन्यू बनता है। तो इस हिसाब से आपने इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना, जब आपको ब्रांड से अप्रूवल मिलेगा, आपको प्रोडक्ट की लिस्ट मिलेगी, उसके बाद आपने इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ये FBA कैलकुलेटर के जरिए इस तरीके से आपने इसे कैलकुलेट करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई समझ ना आई हो। हेलो, सबको क्लियर है, सबको आ गई है समझ? सर आवाज नहीं आ रही आपको। आवाज नहीं आ रही? हेलो, नेट कनेक्शन बहुत डिस्टर्ब कर रहा सर आज। हेलो बाकियों को आ रही है आवाज या किसी हेलो को भी नहीं आ रही? सर, बहुत कम आ रही है। हेलो, अब आ रही है सर? हेलो, अब नहीं, पहले जो मैंने बोला है सबको क्लियर आवाज आई है, समझ आई है कि नहीं आई, मुझे ये बताएं। हाँ जी, वो बीच में कनेक्शन डिस्टर्ब कर रहा था तो डिस्कनेक्ट होता था इसके, लेकिन आप रिकॉर्डेड लेक्चर दे देना, अगर कुछ चीज़ की नहीं समझ लगी तो फिर नेक्स्ट क्लास हम रिवाइज कर लेंगे वो टॉपिक, या वो जो चीज़ की हमें समझ अभी जो नहीं आई। प्रॉफिट कैलकुलेशन की है उसमें किसी को समझ ना आई हो तो वो भी बता दे। या इसमें सबको ये आ है कि गई? सर आ गई है समझ? जब प्रैक्टिकली करेंगे तो जो चीज मिस हो गई है फिर आपको जो करना है इतना। ठीक है, अभी
अच्छा, और बाकी एंड पे वही बचा कि असाइनमेंट, वो आप बता दें किस किसने की है और किस किसने नहीं की। वो सर मैंने तो आज भी कोशिश की थी कल भी, लेकिन वो बाय बॉक्स में जो डेट हो रहा है वो हम मिल नहीं रहा। जब भी कीपर पे जाते हैं, आज दो मैंने की है वो भी बगैर कीपर के की है सिंपली। तो आज हमने बाय करना है वो पर्सनल टीम चला, आज से जो है स्टार्टिंग दोबारा, बाकी जो की है वो पहन लिया आप। तो ये जो दो लोगों ने की है, इनकी इनका कीपा सही चल रहा है? सर इनका पता नहीं, जी सर, ठीक लेकिन चल रहा है, ऑलमोस्ट ठीक चल रहा है। एक आध दफा में थोड़ा इशू किया था, लेकिन अब ठीक चल रहा है। तो भाई आप लोगों का क्यों नहीं चल रहा? सर मेरी तरफ भी नहीं चल रहा, उसको ऑन करते मिनट मिनट पे बंद हो जाता है, और रिजल्ट भी नहीं दे रहा सही से, इतनी देर लगा के देता है। हमने तो स्क्रीनशॉट भी उसको सेंड किए, ये देखिए ये अब 1 मिनट में मेरे ख्याल 4 बार होता है डिस्कनेक्ट। वो दोबारा उसको मैं करते हैं पास को दीजिए, फिर वो हो जाता है। यार इस तरह आगे आगे फिर करने का फायदा कोई नहीं है, जब तक पुराना काम कोई नहीं होना। ठीक है, हाँ नहीं सर हमने वो पर्सनल यूज कर आज ही बाय कर लेना रात में कल, वो आप तो आज ही फिर करो ये जब है पर्सन। कि ये हम दो लोग हैं, दो लोग जो सब पीछे हैं वो इंशाल्लाह करके, जो इंशाल्लाह इतना भी हुआ डेली का 20-30 वो करे क्या करेंगे, फिर वो आज भी है। ठीक है, अच्छा जिन्होंने किया है, आपकी कोई एक आधी प्रोडक्ट निकाल के देख लेते हैं फिर। अच्छा जी, अच्छा ये प्रोडक्ट में आप ये एक चीज देख लो कि ये बाय बॉक्स कम सेलर, एक सेलर को ज्यादा मिल रहा है, बाकियों को कम कम मिल रहा है। उसकी मेन रीजन ये है कि इसके रिव्यूज बहुत ज्यादा है, रिव्यू काउंट ज्यादा है, और जो एम बाकी सेलर्स है उनके कम है, ये इसके थोड़े ज्यादा है, लेकिन इसको भी बाय बॉक्स इतना मिल नहीं रहा, कम ही मिल रहा है। और ये एक को मिला है 16%, और इसकी वजह ये है कि भाई इसने प्राइस अपनी कम लगाई है, $2 कम कर दिया है, और ये है भी एफ बी एम ई, एफ बी ए नहीं है। तो इस तरह की प्रोडक्ट से बेहतर तो ये है कि गुरेज ही करें, क्योंकि इसमें ये हो सकता है बिल्कुल रख लें निकाल के, लेकिन इसके साथ ना मेंशन कर दें कि भाई जो बाय बॉक्स है ना, वो तो जिस तरह आगे रिमार्क्स का दिया हुआ है ना कॉलम, वहां पे आप मेंशन कर दो कि जो बाय बॉक्स है वो हाई रेटिंग वाले सेलर्स को मिल रहा है, दूसरों को नहीं मिल रहा।
ताकि हमें पता हो कि भाई ये उस बंदे को मिल रहा है। अब ये प्रोडक्ट निकाल के रखने का मकसद ये है कि अब ये ब्रांड तो हो सकता है इस ब्रांड के अंदर और कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हो जो सब में रोटेट हो रही हो, ठीक है ना, तो हम उसको टारगेट कर सकते हैं। इसमें आपको एक चीज तो ये पता चली ना कि फॉर एग्जांपल ये देखें 14 वाला भी बैठा हुआ है और उसके बाद 76 वाला है, 16 वाला है, ये कम वाले भी बैठे हैं। कम वाला बैठने का मेन हमें ये पॉइंट पता चल गया कि भाई जिन सेलर्स जो नए सेलर्स हैं उनको भी ये ब्रांड अप्रूवल दे रहा है, ये सिर्फ पुराने को नहीं दे रहा, नए सेलर्स को भी अप्रूवल दे रहा है। तो इस बेसिस पे हम ये कर सकते हैं कि भाई ठीक है, अगर ये नए को भी दे रहा है तो हमें भी अप्रूवल देगा। इस वजह से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट ठीक है, इसको हम रख लेते हैं, ये ब्रांड ठीक है, ये अप्रूवल हमें दे देगा। हो सकता है कि इस ब्रांड की डिफरेंट जो बाकी प्रोडक्ट्स होंगी उनमें से कोई ऐसी प्रोडक्ट निकले जिसको हम सेल कर सकते हैं, तो इस बेसिस पे ये प्रोडक्ट आप रख सकते हैं, ठीक है। वरना अगर सिर्फ पूरे ब्रांड में सिर्फ अगर ये एक ही प्रोडक्ट हो ना तो आप इसको छोड़ दो, क्योंकि भाई इसमें बाय बॉक्स रोटेट नहीं हो रहा, बहुत कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये नए सेलर्स को भी चांस दे रहा है और हो सकता है इसकी और डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कोई ना कोई ऐसी हो जिसको हम कर सकें, तो ठीक है आप इसका डाटा निकाल के रख लो जिस तरह आपने रखा हुआ है। ओके, उसके बाद जी कोई और, ठीक है, उसके बाद एक ये उठा लेते हैं। अच्छा, इसके अब आप डेटा पे आओ तो अब ये ठीक है, ये जबरदस्त है। अब देखें इसमें बाय बॉक्स सबको मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, ठीक है। इसमें जो थोड़ा सा इशू है वो ये है कि प्राइस इनकी ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन वो इतना मसला नहीं है क्योंकि वो जब हमने देखना, अब ये देखे ना ये हाई सेल्स वाले को भी उतना मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा चलें थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, कोई नहीं। अब ये 20 वाला है, 20 रिव्यू काउंट वाला है, इसको भी 20% तो मिल ही रहा है ना, ठीक है, तो मतलब ये है कि हमारे भी मिलेगा। अब ये इससे कम वाला है, इसको भी 20% है। अब ये देखें ये 20 रिव्यूज वाले को 21% मिल रहा है और ये जो इससे ज्यादा वाला है इसको 13% मिल रहा है, तो मतलब ये सबको थोड़ा बहुत रोटेट हो रहा है, तो ये अच्छी प्रोडक्ट है, इसको आप करो। उसके बाद इसकी आप देख लो कि सेल्स वगैरह कितनी है, तो 30.30 कौन सी कैटेगरी थी, किचन, हाँ 63 यूनिट इसके डेली के सेल हो रहे हैं और इसकी सेल्स भी अच्छी हैं, तो ये एक अच्छी प्रोडक्ट है भाई, जबरदस्त है। इस तरीके की प्रोडक्ट हो तो वो बेस्ट है, इसको आप कर दो इधर मेंशन। ठीक है, अब ये हमें पता चल गया कि भाई ये अच्छी प्रोडक्ट है, अप्रूव है। उसके बाद इसका आप ब्रांड का डाटा निकाल लो और इसका
देखो कि भाई ये वेबसाइट इसकी आ गई। मेगा वाइस सही है, ये इसकी वेबसाइट आ गई, ठीक हो गया। और बाकी इसका कांटेक्ट की इंफॉर्मेशन, अच्छा ये देखे ना, कुछ वेबसाइट्स ने ये भी सीन किया होता है कि ये ऑनलाइन इनके, अभी आप चाहो तो चैट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आप चैट स्टार्ट करो, पहले तो ये बोट चल रहा होगा ना ये एक दो, लेकिन आप जब कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो ये आपको डायरेक्ट वहाँ, इनका एक कस्टमर सर्विस का बंदा बैठा होगा, आप उनसे भी बात कर सकते हो कि भाई हम इस तरह बाय करना चाहते हैं। अगर वो भी आप चाहो तो वहाँ से भी इनका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह ले सकते हो। अच्छा जी, कस्टमर सर्विस पे आए, कॉन्टेक्ट अस पे आए, और ये इसका कॉन्टेक्ट का फॉर्म भी दिया हुआ कि आप यहाँ पे फॉर्म भी कर सकते हो, तो ये इसका फॉर्म भी कॉपी कर लो कि कॉन्टेक्ट अस का, इधर फॉर्म भी आप मेंशन कर दो कि भाई ये फॉर्म भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी जाएं तो अपना आप मेंशन कर सकते हो मैसेज वगैरह। और ईमेल तो आपने ले लिया, ये इसकी फेसबुक पे आया तो इसका ईमेल भी पड़ा हुआ है, वो भी आपने उठा लिया, बस ठीक है। जितना मैक्सिमम डाटा मिलता है ना उसका निकाल लें, अगर इसका नंबर नहीं दिया हुआ कोई नहीं, बाकी चीजें तो मिल गई है ना, ईमेल मिल गया, उसके बाद कॉन्टेक्ट फॉर्म नहीं था ऐड हुआ वो भी आपको मिल गया, वो भी आपने ऐड कर देना, वो भी जिसका कॉन्टेक्ट का मिलता है कॉन्टेक्ट का कर लें, जिसका होलसेल का मिलता है उसका होलसेल को अलग मेंशन करें, और कॉन्टेक्ट वाले फॉर्म को अलग मेंशन करें कि ये दो इसके मिल गए, ठीक है। और ये है जी, अच्छा, और जिस तरह एक और चीज हो गई ये है, अब ये एक ब्रांड की डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं निकालनी है आपने, एक ब्रांड की सिर्फ एक ही प्रोडक्ट निकालनी है, एक ब्रांड रिपीट नहीं होना चाहिए। जिस तरह ये दो निकालनी है ना, इनमें से सिर्फ एक ही हमें चाहिए, क्योंकि हमने जब ब्रांड से कॉन्टेक्ट करना है हमें वो लिस्ट मिलनी है, उसके बाद हम उसकी सारी प्रोडक्ट को चेक करेंगे। लेकिन अगर हमें एक ही प्रोडक्ट अच्छी, एक भी अभी फॉर एग्जाम्पल हमें ये एक मिल गई है ना, दूसरी सेम ब्रांड की प्रोडक्ट निकाल के उस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, उससे बेहतर ये है कि हम कोई और ब्रांड सर्च करें, उस ब्रांड का डाटा निकालें, ठीक है। अभी सेम ब्रांड है उसी का डाटा दो दफा आपका टाइम लगा होगा निकालने में, तो ये जरूरत नहीं है, एक ब्रांड को वन टाइम आपने करना है, उस दोबारा बार बार उसको रिपीट नहीं करना, ठीक हो गया। बस ये है, सही है। जी ठीक है, जिस तरह ये तीन दफा है ना, तो आप इनको वन बाय सिर्फ एक एक दफा आप निकालो, और ये प्रोडक्ट जो अभी निकाली थी वो थी भी जबरदस्त, यानी उसके स्टैट्स ओके थे। और किसने किया है जी, अच्छा ये दो आपकी हो गई, एक ये साध की कोई निकाल लेते हैं। अच्छा जी, ये साध की हमने फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोडक्ट निकाल, अब ये बैटरी वाली प्रोडक्ट है, इनसे थोड़ा सा गुरेज करें तो ज़्यादा बेहतर है कि जिनकी बैटरी का हो ना, क्योंकि बैटरी का कोई पता नहीं होता, किसी टाइम भी ख़राब हो सकती है या ख़त्म हो जाए, पड़ी पड़ी पता नहीं कब की वो प्रोडक्ट हो वहाँ पे पड़ी पड़ी भी, अगर फॉर एग्जांपल हमें जब तक हमारे पास आई, हमारे पास आने पहले भी उसके पास कुछ टाइम से वो मैन्युफैक्चर होके पड़ी होगी, उसके बाद जब हमने आगे उसको भेजना है वहां पे वो कुछ कुछ टाइम रहेगी, लेकिन उतने में अगर उसकी बैटरी खराब हो जाती है और कस्टमर को जब वो पहुंचती है उसकी बैटरी नहीं चल रही, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह, एक तो वो रिटर्न आएगी, रिटर्न आने के अलावा हमें बैड रिव्यू भी मिलेगा, तो उससे बेहतर है कि थोड़ा सा
इस तरह की जो बैटरी वाली प्रोडक्ट है उससे परहेज करें। बाकी स्टैट इसके तकरीबन ठीक है, ना इतने अच्छे हैं और ना इतने बुरे, मिक्स से हैं लेकिन चल जाएगी ठीक है। बाकी एहतियात करें तो ज्यादा बेहतर है भाई कि बैटरी वाली ना हो। अच्छा कोई और देख लेते हैं। अब ये भी ठीक है प्रोडक्ट, ये है सही है, इस तरह की कर लें। इसका बाय बॉक्स सबको मिल रहा है, सारा कुछ ओके है ठीक है। सेल्स इसकी सेल्स भी अच्छी होनी है, BSR अच्छा है इसका, तो ये ठीक है प्रोडक्ट, इस तरह की आप कर लो। इसमें एक इशू है जो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये जो डायमेंशन है ना इसकी, डायमेंशन इसकी ज़्यादा होनी है ठीक है, वो मसला कर सकती हैं। जैसे कि अगर ये अब फोल्ड होने वाली होनी है कि ये फोल्ड होके एक बॉक्स में आ जाएगी, लेकिन अगर कोई फर्नीचर टाइप बड़ी प्रोडक्ट है ना उससे थोड़ा ग्रेज करें, क्योंकि उसकी शिपिंग वगैरह ज़्यादा होती है। जब आपने पहले प्रेप सेंटर भेजनी है उसके बाद आगे भेजनी है तो उसकी शिपिंग कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा पड़ जानी है, उसमें मार्जिन आपके इतने ज़्यादा नहीं रहने। वो या तो हो ना कि उसकी सेलिंग प्राइस भी कोई 200, 100, 150 तक डॉलर तक हो, फिर वो प्रोडक्ट आपके लिए ओके है, क्योंकि फिर वो समझ आती है कि भाई इसकी इतनी प्राइस है इतना, इसमें अगर 10% भी मार्जिन है तो इसमें 10-20 डॉलर का मार्जिन बच रहा है। लेकिन अगर उसकी प्राइस $50, $40 तक है और उसकी साइज बहुत बड़ा है तो उसमें हो सकता है कि भाई आपको शिपिंग वगैरह इतनी पड़ जाए, क्योंकि शिपिंग दो तरीके से कैलकुलेट होती है, एक होता है प्रोडक्ट का वेट और एक होता है डायमेंशनल वेट। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका असल जो एक्चुअल वेट है वो उसका डायमेंशनल वेट से ज्यादा है फिर तो उसका एक्चुअल वेट ही कैलकुलेट होगा, लेकिन अगर उसका डायमेंशनल वेट ज्यादा हो जाए यानी उसका जो सरफेस है उसका जो सारा साइज है वो बड़ा है ठीक है, उस बड़े होने की वजह से उसका चाहे वेट कम भी है लेकिन वो जगह ज्यादा घेर रही है ठीक है ना, जब एक कंटेनर में जाएगी तो ज्यादा जगह कंज्यूम करेगी तो उस वजह से भी उसकी शिपिंग इंक्रीज हो जाती है। तो इस ये थोड़ा इसमें है प्रोडक्ट में, लेकिन बाकी इसके जो स्टैट्स हैं ओवरऑल वो ओके हैं, तो हो सकती है ये बाकी इसके स्टैट्स ओके हैं। लेकिन जो ये वैसे मैंने एक चीज आपको बता दी है कि देखिए ना 9 फीट इसकी लिखी हुई हाइट वगैरह, तो बाकी आप ये चीज कंसिडर करेंगे नेक्स्ट जो निकालते हैं उसमें आप साइज वगैरह ये सारी चीजें उसकी देख लें। अभी इसको भी आप अप्रूव्ड कर लो, इसके स्टैट्स बाकी सारे ओके हैं जबरदस्त, बाकी ठीक है
और निकालें, मजीद करते जाएं। बाकी जिनकी अभी तक जिन्होंने नहीं की वो तो लाजमी करें भाई, सुबह से स्टार्ट करें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये आपकी कम अज कम हर बंदे की डेली की 15-15 हो, तो अगर 3 दिन बाद भी लेक्चर है तो उसकी 50 एक तो हो ना, ठीक है ना, 45-50 तक उसकी प्रोडक्ट्स लगी हों, डेली की 15 ही लगी हों कम अज कम, तो ये लाजमी है, वरना आगे मजीद और करते जाओ, पिछला हो कोई ना तो फायदा कोई नहीं है, हमें टाइम पास वाली बात हो जानी, और इतना टाइम है नहीं कि पास कर लें। ठीक है, जी और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो भी बता दे, नहीं तो टाइम बस खत्म है, एंड करते हैं। नहीं सर, प्लीज। और किसी को? ओके जी, चलें ठीक है, जी सर, ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर।